दोस्तों साल 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ था, जिसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया था। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों का हिटलर ने मरवा दिया था। दोस्तों हिटलर को उस समय का सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। हिटलर भारत से भी बहुत ज्यादा नफरत करता था, लेकिन 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन से लगभग 50 फीट नीचे बने अपने बंकर में बंदूक की गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। दोस्तों क्या है हिटलर की कहानी और हिटलर भारत से इतना नफरत क्यों करता था, इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन में फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इन में हुआ था। हिटलर ने अपना अधिकांश बचपन का समय ऑस्ट्रिया की राजधानी लिंज में बिताया था। हिटलर के पिता एक सिविल सेवक अधिकारी थे, लेकिन हिटलर अपने पिता की तरह एक सिविल अधिकारी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि हिटलर पढ़ाई में बहुत कमजोर था। इसी कारण वह अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई में भी संघर्ष करता नजर आया और बाद में वह स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था। और 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद हिटलर एक आर्टिस्ट बनने के लिए वियना चला गया, लेकिन वियना की एकेडमी ने हिटलर को सिलेक्ट नहीं किया था। उस समय हिटलर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वे अपना भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग करने का काम भी किया करता था। इसके बाद सन 1913 में हिटलर ने म्यूनिख चला गया, ये जर्मन का एक राज्य है। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस समय हिटलर ने वहां के एक राजा के पास सेना में भर्ती हो गया था और अक्टूबर 1914 में बेल्जियम के में तैनात किया गया था। उस समय उस युद्ध में हिटलर ने प्रथम बार युद्ध में शामिल हुआ था और बहुत बहादुरी से लड़ा भी था। हिटलर की बहादुरी को देखते हुए उसे 2 सैनिक चिन्ह भी मिला, लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने 1918 ईस्वी में नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम को कूट कूट कर भरा। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की हार के कारण यहूदियों को दोषी ठहराया और उसने दल के सभी सदस्यों के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मन के लिए अभिशाप है। इसी नफरत के कारण ही लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। सन 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया और वह सफल भी हुआ। इसके बाद हिटलर को इस विद्रोह के चलते 5 साल जेल की सजा भी हुई थी। इसके बाद सन 1932 ईस्वी में जर्मन के संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। सन 1933 में हिटलर वहां का चांसलर बन गया और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और विरोधी पार्टी साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और अगले युद्ध को ध्यान में रखकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। सन 1933 में जर्मनी में पूर्ण शक्ति पाने के लिए हिटलर ने वहां पर मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा भी लिया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की आत्महत्या कैसे हुई थी, इसे भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। दोस्तों 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर सेना भेजकर अपना कब्जा कर लिया। इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार कर लिया और ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेज दी, जिसके कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसके बाद हिटलर की अगुवाई में 1941 तक नाजी सेनाओं ने यूरोप पर चारों तरफ कब्जा कर लिया था, क्योंकि हिटलर ने अपने सभी पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रखा था, इसीलिए सारे पड़ोसी राज्यों ने एक साथ मिलकर हिटलर की सेनाओं का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। जब हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लिया था। दोस्तों हिटलर ने 1920 के दशक में और सत्ता में रहने के दौरान व्यवस्थित रूप से अपनी पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन भारत और भारतीयों के प्रति उसकी राय समान रही।
उसका मानना था कि नस्ली रूप से भारतीय सीधे तौर पर खारिज हो जाते हैं। 1928 में हिटलर की आत्मकथा मेन काम्फ भारत में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर अगले 90 सालों तक वेस्ट सेलर का हिस्सा बनी रही यह पुस्तक। दुनिया भर में हिटलर के प्रशंसकों की कमी नहीं है, लेकिन विशेष रूप से भारत में हिटलर के संदर्भ में एक मिथ बहुत काम करता है। मिथ यह है कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। इस मिथ को बढ़ावा मिलता है 3 कारणों से। पहला, हिटलर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात। दूसरा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। और तीसरा, ये कि हिटलर आर्यों को सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानता था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात का तर्क ये दिया जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। मई 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी। इससे पहले भी नेताजी कई बार कोशिश कर चुके थे हिटलर से मिलने के लिए, लेकिन हिटलर तैयार नहीं हुआ था। भारत की आजादी से उसे कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारतीय आजादी के आंदोलन पर ध्यान दिया। नेताजी बोस के साथ मुलाकात के दौरान भी अधिकतर समय वो यही बात करता रहा और नेताजी को इस मीटिंग के दौरान एहसास हुआ कि हिटलर उनके थ्रू प्रोपेगेंडा वार जीतना चाहता है बजाय कि मिलिट्री वार के। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों का एक किस्सा है जिसे सुनकर आपको बेहद समझ आएगा कि वो भारतीयों के प्रति क्या विचार रखता था। 1945 का साल, जर्मनी हार की कगार पर खड़ा था और हिटलर के सहायक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गढ़ाए हुए थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि अगर भारत में विद्रोह चरम पर पहुंच जाए तो ब्रिटेन कमजोर हो सकता है। मार्च महीने में हुई एक कॉन्फ्रेंस में हिटलर के सामने एक जनरल ने इंडियन लीजन हिंद फौज यानी आजाद हिंद फौज का जिक्र किया। इंडियन लीजन यूरोप में भारतीय युद्धबंदियों से बनी एक यूनिट थी जो तब जर्मन सेना का हिस्सा हुआ करती थी। इसे नेताजी बोस ने गठित किया था। तब हिटलर ने जवाब दिया था कि इंडियन लीजन एक मजाक है, भारतीय एक कीड़े को भी नहीं मार सकते, अंग्रेजों को तो कतई नहीं मार पाएंगे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना मैं एक मजाक समझता हूँ। इससे बेहतर तो है कि उनसे मजदूरी कराई जाए और वो इसी लायक हैं। दोस्तों, अप्रैल 1920 में हिटलर ने म्यूनिक के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक स्पीच दी थी। यहाँ उसने एक सवाल पूछा था, मुट्ठी भर ब्रिटिश ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया, कैसे? इस सवाल का जवाब मिलता है इससे पहले कि वो आगे बोला, हमें यानी जर्मनी को भी यही करना है। इससे एक महीने पहले एक दूसरी मीटिंग में हिटलर ने कहा था कि भारत से कपास और रबर के निर्यात से भारतीयों को चूसा और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया, क्या उन्हें ऐसा करने का हक है? दोनों बातें विरोधाभासी थी। पार्टी वर्कर्स को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। तब उसने अपना दोनों सवालों का जवाब दिया एक शब्द से, पावर यानी ताकत। उसने कहा, सारा मामला ताकत का है, अंग्रेजों के पास ताकत थी इसलिए वो भारत के लोगों पर राज कर पाए, उन्हें ऐसा करने का हक भी है क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं है उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है, ऐसा हिटलर का मानना था। इसके बाद उसने कहा, जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। मेन काम्फ में वो इसी विचार को एक दूसरे तरीके से भी कहता है। वो लिखता है, या तो जर्मनी वर्ल्ड पावर होगा या जर्मनी होगा ही नहीं। म्यूनिक पार्टी मीटिंग में उसने एक और सवाल किया, अंग्रेजों के पास शक्ति आई कहां से? उसका जवाब देते हुए उसने कहा कि नस्ल ब्रिटिश भारत पर इसलिए राज कर पाए क्योंकि वे बेहतर नस्ल के लोग थे। अब ये बात थोड़ा चौंकाने वाली है, सबको मालूम है कि हिटलर आर्यन नस्ल को सबसे बेहतर मानता था और तब अधिकतर इतिहासकार मानते थे कि भारत के लोग भी आर्यन नस्ल के हैं, तो फिर हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों के से नीची नस्ल का क्यों बता रहा था? इसके लिए हमें हिटलर के दो सहयोगियों के विचार समझने होंगे, पहला स्टीवर्ट चेबरलेन और दूसरा अल्फ्रेड रोजनबर्ग। स्टीवर्ट चेबरलेन नाजी शासक में एक बड़ा दार्शनिक माना जाता था और वही हिटलर का बौद्धिक गुरु भी था। नस्ली श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चेबरलेन से ही मिला था। चेबरलेन के पास ये विचार कहां से आया? दरअसल चेबरलेन और उसके जैसे कई दार्शनिक तब समाज में भोगवाद और भौतिकवाद के सवाल से जूझ रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर को बेहतर कर दिया, चर्च और धर्म की शक्ति कम होने लगी थी। निश्चय का कथन, गॉड इज
डेड फेमस हो चुका था और एथिक्स और मॉरलिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। चेबरलेन को इस सब का हल मिला नस्लवाद में। हालांकि चेबरलेन बहुत पहले से ही नस्लवाद का समर्थक रहा था, लेकिन जब 1888 में उसे भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का मौका मिला तो उसने इसी नजर से भारतीय दर्शन को देखना शुरू किया। यूं कि थ्योरी वो पहले ही डेवलप कर चुका था, बस दूसरे सोर्स से अपने बात को पूर्व करने की कोशिश में था। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने शोध में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सारी समानताएं पाई और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया आर्य। ये शब्द जो अब तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा था वो एक नस्लीय पहचान बन गया। धीरे धीरे बाकी स्कॉलर्स ने पाया कि 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें समान गुण थे, जिनमें इनमें जर्मन और इंग्लिश भी शामिल थी। तब से ये सवाल उठा कि भारत और यूरोप के लोग एक जैसी भाषा बोल रहे थे। दोस्तों, संस्कृत भाषा भारतीय परिवार की भाषा थी। ये विचार भी आम हो चला था कि कुछ 1500 साल पहले आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चेबरलेन ने दावा किया कि भारत में पहुंचे पहले लोग असल में जर्मन थे और नॉर्डिक नस्ल के ये लोग फादरलैंड यानी जर्मन से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए चेबरलेन ने संस्कृत सीखी। वेद और उपनिषद पढ़कर वो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इनमें मौजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ा। नस्ली बंटवारे के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग नीचे थे। उसने दावा किया कि श्रेष्ठ आर्य लोगों ने वेदों और उपनिषदों को लिखा और दुनिया को भौतिकवाद से आगे बढ़ाने का दर्शन प्रदान किया। चेबरलेन ने इसके उदाहरण में कालिदास आचार्य शंकरा के लिखे का जिक्र भी किया। और इसके बाद जिस दूसरे व्यक्ति ने हिटलर को प्रभावित किया था वो था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी के मुखपत्र का एडिटर नियुक्त कर दिया। इसी मुखपत्र के जरिए नाजी पार्टी ने नस्ली श्रेष्ठता के विचार का प्रचार किया। चेबरलेन की ही भांति रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृति भाषा में रुचि रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया कि घोड़ों में बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में घुसे और वहां काले लोगों पर अपना आधिपत्य कायम किया। उसने फ्रेंच डिप्लोमेट जोसेफ आर्थर की बात दोहराते हुए कहा कि रोजनबर्ग में जाति व्यवस्था को लेकर दावा किया कि काले मूल निवासियों से खुद को अलग रखने के लिए आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। वर्ण शब्द का अर्थ जाति था और अर्थ रंग वर्तमान 1920 के भारतीयों के लिए रोजनबर्ग में ने लिखा कि भारत में आर्यों से एक गलती हो गई। वो अध्यात्म के चक्कर में इतना डूब गए कि नस्ली शुद्धता बनाए रखने को लेकर असावधान हो गए और आगे चलकर उनका खून काले मूल निवासियों से मिल गया, जिसके चलते नस्ली श्रेष्ठता समाप्त हो गई। भारत गुलाम क्यों बना, इसका कारण भी नस्ली को दिया गया। रोजनबर्ग ने लिखा कि नस्ली मिलावट के चलते सिर्फ ज्ञान बचा और उसके लिए जरूरी नस्ली श्रेष्ठता खत्म हो गई। इसके बाद जाति प्रथा भी कमजोर होती चली गई, इसके फलस्वरूप आर्य भी कमजोर हो गए। भारतीयों को लेकर हिटलर के विचार में हम इन नस्लवादी बातों को का प्रभाव देख सकते हैं। 1936 में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए हिटलर कहता है कि भारतीय चल भी नहीं सकते, अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया है कि चलना क्या है। इसके अलावा समय समय पर उसने भारतीयों के लिए नस्लवादी टिप्पणी का इस्तेमाल किया। 1936 की रैली में उसने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मन के एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आजादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था। इंडियन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसने वायसराय लॉर्ड डरविन को सलाह दी।